हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अडानी की बिजली कंपनियों के लिए एससी पहुंची गुजरात सरकार, कहा कीमतें बढ़ाने की अनुमति दी जाए। गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने के चलते मोदी सरकार हमेशा से सवालों में घिरती रही है। ये आरोप लगते रहे हैं कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने में लगी है। अब भाजपा की गुजरात सरकार अडानी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। वैसे तो सरकार का काम जनता के कल्याण के लिए कार्य करना और विधानसभा से लेकर संसद तक में उनका पक्ष रखना होता है, लेकिन गुजरात सरकार अपने राज्य के निजी बिजली कंपनियों अडानी पावर, टाटा पावर और एसआर पावर का पक्ष रखने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अंबानी की तरफदारी कर रही है गुजरात सरकार। सरकार का कहना है कि ये तीनों कंपनियां घाटे में चल रही है, इसीलिए इन्हें बिजली के दाम बढ़ाने की अनुमति दे दी जाए। ये बात सरकार तब कह रही है जब सुप्रीम कोर्ट अपने अप्रैल 2017 के फैसले में पहले भी इस अनुमति के लिए मना कर चुका है। दरअसल ये तीनों कंपनियां वर्ष 2010 के समझौते के अंतर्गत राज्य में बिजली दे रही है। ये समझौता गुजरात सरकार और इन बिजली कंपनियों के बीच हुआ था। समझौते के मुताबिक बिजली कंपनियों को 10 साल तक राज्य में बिजली देनी थी और इस बीच वो कीमत एक तय सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ा सकती है। लेकिन अब इन कंपनियों का कहना है कि वो बिजली बनाने के लिए कोयला इंडोनेशिया से लेती है और इस कोयले की कीमत बढ़ गई है, इसीलिए उन्हें भी अब बिजली की दरें बढ़ानी होगी। उनके इसी पक्ष को अब अदालत में गुजरात सरकार पेश कर रही है। इन कंपनियों पर लगभग 9000 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस कर्ज को चुकाने के लिए ये पूरा खेल खेला जा रहा है। कर्ज कंपनियों का है और चुकाएगा आम आदमी। गुजरात सरकार का कहना है हाई पावर्ड कमेटी HPC की ओर से आयोजित मीटिंग में कंज्यूमर ग्रुप्स ने इस आधार पर आपत्ति जताई थी कि इस माननीय अदालत के फैसले के मद्देनजर कोई भी बदलाव गैर कानूनी होगा। इस वजह से अदालत से ये स्पष्टीकरण देने के लिए संपर्क किया गया है कि इस अदालत का फैसला रेगुलेटर की स्वीकृति के साथ संशोधन को नहीं रोकता। इसके साथ ही गुजरात सरकार ने बताया है कि अगर इन पावर प्लांट से सप्लाई बंद होती है तो उसे 4,805 मेगावाट पावर की कमी का सामना करना होगा। याचिका में कहा गया है कि पावर की कमी को पूरा करने के लिए गुजरात की सरकारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने शॉर्ट टर्म में 4.25 से 4.50 रुपये प्रति यूनिट पर बिजली खरीदी है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।